जय जिनेंद्र। आराध्य के श्री चरणों में कोटि नमन। आज हम पहले त्रिपदी वंदना से प्रारंभ करेंगे। वंदना सुन में आ जाएं, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे अर्हम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। पूरा श्वास भरे, वंदे अर्हम, श्वास भरे, वंदे गुरुवरम, श्वास भरे, वंदे संकल्प का प्रयोग करें। मंगल भावना, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए श्री संपन्नो हम श्याम रे संपन्नो हम श्याम घी संपन्नो हम श्याम जति संपन्नो हम श्याम शक्ति संपन्नो हम श्याम शांति संपन्नो हम श्याम नंदी संपन्नो हम श्याम तेज संपन्नो हम श्याम शुक्ल संपन्नो हम श्याम ध्वनि प्रयोग तीन बार ओम की ध्वनि लंबा गहरा श्वास लें। ओ Thank you.
उच्चारण करते वक्त चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, 2 सेकंड अ का उच्चारण करें, रह का उच्चारण करते वक्त चित्त को आनंद केंद्र दोनों फुफ्फुसों के मध्य गड्ढे के स्थान पर केंद्रित करें, 4 सेकंड में रह का उच्चारण करें और म का उच्चारण करते वक्त चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग से होते हुए ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान तक पहुंचाएं और 6 सेकंड में म का उच्चारण करें। अंतिम नाद 2 सेकंड तक सुनिए, पूरा सांस भर लें। अब दोनों हाथ गर्दन के पीछे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट घुटने को लेफ्ट कोहनी लगाना है और राइट में राइट, इस ढंग से। अब इसको बदली करके लगाना है, लेफ्ट घुटना राइट कोहनी इस ढंग से। पीछे लेफ्ट पैर आगे राइट पीछे, दोनों पैरों को एक साथ बदली करना है। दोनों पैरों से अलग अलग बटकते मारें। विशेष क्रिया आपको बताने वाला हूं जो हमारे शरीर की पूरी हृदय स्नायुओं को चौकअप होने से बचा देगा। यह क्रिया बहुत सरल है और
जैसे हम देखते हैं कि नाली में अगर कचरा आ गया और उसमें अगर नक से जरा सा झटके से पानी डाला तो वह रास्ता खुल जाता है और पानी नाप बहने लगता है। ठीक इसी प्रकार हमारी शरीर की नस नाड़ियों में अगर कहीं चौकअप आ जाता है तो हम अगर उसका स्पंदन देंगे तो वह चौकअप अपने आप खुल जाएगा। तो प्रारंभ करें लेफ्ट हाथ ऊपर राइट से, इस ढंग से आप उसको लगाए। हाथ को सीधा कर लें अब इस तरफ से, राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हाथ से, हाथ को सीधा करें। शरीर को पूरा प्रकम्पित होने दें, हल्की हल्की चोट करें। रिलैक्स, लेफ्ट हाथ ऊपर बगल पर इस ढंग से लगाएं। राइट साइड ऊपर लेफ्ट हाथ से, रिलैक्स पेट के भाग पर, पेट खाली होगा तो बजेगा, भरा होगा तो बजने का सवाल नहीं। और पूरा स्पंदित करें, बटक से हमारे पीछे दोनों पैरों में थोड़ा फासला, ऊपर से नीचे की ओर बाहर और नीचे से ऊपर भीतर की ओर, इस ढंग से। बाहर भीतर पूरा ध्यान दें, रिलैक्स। गर्दन पीछे की साइड राइट हैंड से, लेफ्ट से, कंधे अपने पीठ को थपथपाएं, सिर का भाग, दोनों गालों को फुलाकर ठुड्डी का भाग, ठुड्डी को थोड़ा फुलाकर रिलैक्स। खाली ये 5 मिनट की क्रिया है, इतनी सी आप क्रिया भी करेंगे और बड़े बड़े आसन नहीं कर पाए तो ये छोटी छोटी क्रिया है,
इसको किया तो पूरे शरीर की नस नाड़ियां एक बार आपकी खुल जाएगी, कहीं पर भी अवरोध नहीं रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर आपका चलता रहेगा। चलें आए कुछ सोने वाले आसन कर लें, अपने स्थान पर लेट जाएं। दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ सातल के पास, हथेलियां जमीन से लगी हुई, उत्तान पादासन, श्वास बढ़ते हुए, दोनों पैर 30 डिग्री, जहां पैर के अंगूठे दिखाई देने लग जाएं उतना ऊपर उठाएं, उससे ज्यादा ऊपर नहीं, और अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। अगर आपके पैर नहीं चढ़ते हैं तो धीरे से नीचे लाएं, पैरों को पटके नहीं। श्वास बढ़ते हुए दोनों पैर 30 डिग्री, जहां पैर के अंगूठे दिखाई देने लगे उतना ऊपर उठाएं, उससे ज्यादा ऊपर नहीं। श्वास छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। तैयार, पुनः एक बार 30 डिग्री, स्लोली डाउन, रिलैक्स। लेग्स में दोनों पैरों के बीच एक से डेढ़ फुट का फासला, हथेलियों का रुख छत की ओर, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मन, तैयार 60 डिग्री, जहां घुटने दिखाई देने लगे उतना ऊपर रहे, श्वास बढ़ते हुए श्वास अगर नहीं रोक सकते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग, स्लोली डाउन, रिलैक्स। तैयार, पुनः 60 डिग्री, श्वास बढ़ते हुए स्लोली डाउन, रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़, इस आसन में आपने अनुभव किया होगा हमारे नाभि स्थान पर जोर पड़ता है, तो अगर हमारी नाभि कभी खिसक भी जाए तो ये आसन करने से आपकी नाभि भी अपने जगह पर स्थिर रहेगी। दूसरा, अगर हर्निया की तकलीफ है तो आते अपने आप अपने जगह पर सेट रहेगी, तो हर्निया की तकलीफ वालों के लिए तो ये रामबाण आसन है। तीसरा, पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है। तैयार, हृदय स्तंभासन, दोनों हाथों की मुष्टि बंद, श्वास भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर जमीन से 6-6 इंच ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए डाउन, रिलैक्स। पुनः एक बार एक आवृत्ति और करें, श्वास बढ़ते हुए डाउन, रिलैक्स। कोहनियों के बल बैठे इस ढंग से, दोनों पैर एक साथ 60 डिग्री, कुछ समय रुके, पैरों में होने वाले तनाव को अनुभव करें, धीरे धीरे नीचे लाएं, जमीन पर नहीं रखें और फिर वापस ऊपर उठाएं, डाउन, अप,
डाउन अप औद्योगिक साइकिलिंग करें धीरे धीरे। विपरीत उल्टा और रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे लेफ्ट करवट बदलते हुए पेट के बल ले जाए। भुजंग आसन, दोनों हाथ कंधे के समानांतर एक एक फुट की दूरी पर, ललाट जमीन से स्पर्श, श्वास बढ़ते हुए केवल गर्दन अप, गर्दन को इसी स्थिति में रखते हुए मुंह से फुफकारते हुए सांस छोड़े, श्वास बढ़ते हुए सीने का पूरा भाग अप, दृष्टि सामने रहे, कोहनिया एकदम सीधी, सांस छोड़ते हुए डाउन। पुनः एक बार करें, श्वास भरते हुए सीने का पूरा भाग अप, दृष्टि सामने, डाउन। दोनों हाथ करीब लाए, हथेलियों के बीच 4 से 6 इंच की दूरी, श्वास भरते हुए केवल गर्दन अप, श्वास छोड़े, श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग अप, दृष्टि छत की ओर, कमर के भाग को थोड़ा ढीला छोड़े, डाउन। पुनः श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग अप, दृष्टि छत की ओर, 5 से 10 सेकंड रुकने का अभ्यास करें, डाउन। नौकासन, दोनों हाथ आगे की ओर फैला दें, ललाट जमीन से स्पर्श, दोनों पैर मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ अप, डाउन, रिलैक्स। मन श्वास, लेफ्ट हथेली पर राइट हथेली, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला, एरिया भीतर की ओर मुड़ी हुई, पंजे बाहर की ओर खुले हुए, मकर आसन स्थिति बनाए इस ढंग से, दृष्टि सामने, कहां कहां खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है उसका अनुभव करें, धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आए, दोनों हाथ साइड में, श्वास भरते हुए भुजंगासन अप, श्वास छोड़ते हुए शशांकासन, ललाट जमीन से स्पर्श, पूरे शरीर में तनाव दें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, आराम से बैठें, दोनों पैर खोल लें। अब कुछ क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, दोनों पैरों के अंगूठों उंगलियों को ऊपर की ओर दबाओ, भीतर ऊपर पूरा दबाव देना है, आगे की ओर पूरा खींचें, फिर पीछे की ओर पूरा खींचें, तनाव को महसूस करें, आगे पूरा दबाएं, केवल ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं पंजा आगे जाए, पंजा नहीं जाए, पंजा अपनी जगह स्टैंड एकदम खड़ा रहे, पीछे आगे, पीछे आगे,
पीछे रिलैक्स। अब एक एक पंजा अलग अलग, राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट को आगे खींचे और लेफ्ट को अपनी ओर पूरा बदली 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 रिलैक्स। अब दोनों पैरों में थोड़ा फासला करें, दोनों पैर एक साथ लेफ्ट साइड डाउन, फिर आगे की ओर खींचे दोनों पैरों को, फिर राइट साइड डाउन पीछे की ओर, लेफ्ट आगे राइट, धीरे धीरे करें पीछे लेफ्ट आगे राइट पीछे। अब एंटी क्लॉकवाइज, राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट आगे लेफ्ट पीछे। अब दोनों पैर एक साथ मिला लें, अब दोनों पैर एक साथ बोला था, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैरों को आपस में टकराएं, इसमें दोनों पैरों का ये भाग जो आपका टकरा रहा है ये रीढ़ की हड्डी का एक्यूप्रेशर में पॉइंट है, तो ये रीढ़ की हड्डी के पॉइंट अपने आप लग जाते हैं। इसमें दोनों पैरों में फासला, दोनों पैर एक साथ, अंगूठा जमीन पे लगाने की कोशिश करें, तनाव को महसूस करें, भीतर तनाव आ रहा है घुटनों पर, पंजों में, पिंडलियों में, झंगाओं में, जहां जहां तनाव आ रहा है उसका पूरा अनुभव करें, बाहर की ओर भीतर रुकें, कुछ सेकंड रुकें, बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर रिलैक्स। अब दोनों पैर मिला लें, एक एक घुटना पिंडली को पूरा जम करते हुए इस ढंग से जम कराएं, दोनों घुटने एक साथ आराम से धीरे धीरे करें, जल्दबाजी नहीं, रिलैक्स। राइट पैर को फोल्ड करें, लॉक करें और पूरा दबाव दें, छोड़ें, लेफ्ट पूरा दबाएं, छोड़ें, बदली छोड़ें, बदले छोड़ें। अब दोनों पैर एक साथ फोल्ड करें, लॉक करें और पूरा दबाएं, छोड़ें, फोल्ड करें, लॉक करें और पूरा दबाएं, छोड़ें, फोल्ड करें, लॉक करें और पूरा दबाएं, छोड़ें, रिलैक्स। मंद श्वास, तैयार। आज आपको मैंने बिल्कुल भी मुश्किल आसन नहीं करवाए हैं, एकदम सिंपल सिंपल क्रियाएं हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। अब झंगाओं के लिए दोनों पैरों को इस ढंग से फोल्ड करें, दोनों हाथ घुटनों पर और झूले की तरह लेफ्ट राइट, बटरफ्लाई, और पैरों को थोड़ा नजदीक लें जितना नजदीक ले सके, और घुटने को अप डाउन करें, और घुटने को अप डाउन करते रहें और मेरी बात भी सुनते रहें। जीवन का एक गणित है,
जीवन के घनीज का एक सूत्र है, और वह सूत्र यह है कि जो ज्यादा नजदीक है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता, और भी जो नजदीक है वह और दिखाई नहीं पड़ता, और जो एकदम नजदीक है, जो मैं हूं, वह में दिखाई नहीं पड़ता। ठीक इसका उल्टा, हम जितना दूर है उसको स्पष्ट रूप से देखते हैं। चांद सितारे हमें निमंत्रण दे रहे हैं, वहां तक हम पहुंच गए हैं। प्रशांत महासागर की गहराइयां हमें निमंत्रण देती है, वहां तक हम पहुंच गए हैं। मंगल ग्रह तक हम पहुंच गए हैं, दूर दूर तक हम पहुंच गए हैं, वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन जो मैं हूं, स्वयं हूं, उसकी खोज हमने अभी तक नहीं की। हमारी खोज कब प्रारंभ होगी? मैंने सुना है समुद्र के मछलियां आपस में बातें कर रही थी, वो कह रही थी कि तुमने सागर को देखा है कहीं? तो दूसरी मछलियां विवाद करने लगी कि नहीं नहीं, हमने तो अभी तक नहीं देखा, क्योंकि वो सागर में जीती है, सागर में उनका जन्म है, सागर में ही मरती है, श्वास श्वास सागर में उसका बीतता है, लेकिन कहती है नहीं, हमने सागर को नहीं देखा। हाँ, उनमें से कुछ मछलियां बोल पड़ी कि हमारे पुरखों ने देखा है, जिनको आज हम नमन भर कर लेते हैं, हाँ उन्होंने सागर का अनुभव किया, हमने तो सागर का अनुभव नहीं किया। सूर्य की एक किरण दूसरी किरणों से पूछती है कि तुमने प्रकाश को देखा है कहीं, या सूरज को देखा है कहीं? वो बोलती है भला क्या चीज है सूरज, हमने तो आज तक नहीं देखा, जबकि सूरज में ही उसका जन्म है, सूरज से ही निकलती है, सूरज में ही विलीन होती है, लेकिन कहती है कि हमने सूरज का अनुभव नहीं किया। हाँ, हमारी कुछ पुरखा किरणें हुई है जिन्होंने सूर्य का अनुभव किया है, और हम याद भर उन्हें कर लेते हैं, नमन कर लेते हैं। हम मछलियों की बातों पर हंस सकते हैं, किरणों की बातों पर भी व्यंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन के साथ क्या हो रहा है? अगर आपसे पूछे कि जीवन को देखा है, हम भी उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं कि जीवन को हमने नहीं देखा, जबकि जीवन में ही ईश्वर है, जन्म से ही ईश्वर हमें प्राप्त है, साथ साथ ईश्वर है, लेकिन हम ईश्वर की खोज में बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं, कहते हैं नहीं, हमने अभी जीवन को देखा नहीं, जीवन ही तो ईश्वर है, और कहाँ ईश्वर को ढूंढने जाएंगे। लेकिन हम अपने आप को नहीं कोसते, उन मछलियों की बातों पर हंसते हैं, किरणों की बातों पर हंसते हैं, क्योंकि जो चीज सहज उपलब्ध है, मछलियों को सागर उपलब्ध है, इसलिए सागर का वो अनुभव नहीं कर पाते। जीवन हमें सहज उपलब्ध है, इसलिए हम जीवन का अनुभव नहीं कर पाते। अगर किसी व्यक्ति को जो हमेशा जन्म से लगाकर अभी तक स्वस्थ रहा, तो उसको स्वस्थता का इतना अनुभव नहीं होगा। कब अनुभव होगा? जब जिस दिन बीमार पड़ेगा तो उसको स्वास्थ्य का मूल्य मालूम पड़ेगा कि स्वस्थ ऐसा रहा जाता है। क्या हमें भी जीवन का अनुभव करने के लिए मरना जरूरी है? मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन के बारे में बात सत्य हो, लेकिन बहुत से लोग जब मरने के वक्त आते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि मैंने तो जीवन जिया ही नहीं, तब उन्हें मालूम पड़ता है कि मेरा जीवन कैसे बीता। तो हमें अपने जीवन की खोज करने के लिए प्रेक्षा ध्यान की ओर उन्मत्त होना पड़ेगा, उन्मुख होना पड़ेगा, कि प्रेक्षा ध्यान हमें अपने आप का साक्षात्कार कराता है, अपने के बारे में जानने की हमें चेष्टा प्रदान करता है। तो हम प्रेक्षा ध्यान की ओर मुड़ें, उसके पहले कुछ प्राणायाम करें, उसकी भूमिका बना लें, और फिर प्रेक्षा ध्यान की ओर चलेंगे। तो कुछ आज प्राणायाम भी विषय चलेगा, तो आराम से बैठें, सहजता से जिस आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव कर लें, आराम से बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, मंद सांस, पूरक रेचक कुंभक की क्रिया। पूरक का तात्पर्य पूरा सांस भीतर भरना, रेचक का तात्पर्य पूरा सांस रेचन कर देना, खाली कर देना, और कुछ नहीं बोलूं वहां कुंभक करें अर्थात सांस को रोके। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले सांस रोकने का अभ्यास न करें, बाकी भी जिनको बेचैनी होती हो तुरंत सांस छोड़ें, जबरदस्ती सांस को न रोकें।
पूरा। नेचर पूरा नेचर पूरा नेचर पूरा नेचर पूरा नेचर सामान्य श्वास नॉर्मल विधि कपाल भांति श्वास को तेजी के साथ छोड़ें, प्रयत्न पूर्वक छोड़ें। जैसे ही श्वास छोड़ें, नाभि पर चोट हो, पेट भीतर की ओर पिचके, श्वास लेने में कोई प्रयत्न नहीं, स्वाभाविक रूप से श्वास लें। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले अथवा पेट का कोई अभी अभी ऑपरेशन करवाया हो तो सामान्य गति से करें, बाकी मध्यम गति से। थकान आ जाए, चक्कर आने लगे, पेट में खिंचाव होने लगे, तुरंत रुक जाए, जबरदस्ती न करें। सहजता के साथ पूरे मनोयोग पूर्वक 50 की गिनती के साथ करें कपाल भांति। मंद श्वास, मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, स्पंदनों का अनुभव, चंद्र भेदी प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी बोली दोनों भ्रुवटों के बीच, राइट नॉस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, बिल्कुल भी झुकाव न रहे। लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़े, लेफ्ट से ले, 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 और राइट से छोड़े। रिलैक्स।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। ये प्राणायाम शरीर के भीतर शीतलता प्रदान करता है, शरीर के भीतर ठंडक व्याप्त हो गई। अगर किसी को हाई बीपी है तो इसके लिए ये प्राणायाम बहुत ही उपयुक्त है। अगर क्रोध ज्यादा आता है तो भी उसको ये प्राणायाम करना चाहिए। और गर्मी के दिनों में इसका अभ्यास ज्यादा करें और ठंडी में इसका अभ्यास कम कर दें। अभी हम कर रहे हैं सूर्य बेदी प्राणायाम, यह गर्मी के दिनों में 5-6 आवृत्ति ही करें, क्योंकि यह शरीर के भीतर गर्मी बढ़ाता है और जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसको इसका अभ्यास कम करना चाहिए अथवा नहीं करें। और लो बीपी के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है, जिसकी कम प्रकृति है उसके लिए प्राणायाम विशेष फायदा करता है। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों घुटनों के बीच, राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, राइट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरें, लेफ्ट से छुए, राइट से लिए, लेफ्ट से छुए, राइट से लिए, लेफ्ट से छुए, राइट से लिए, लेफ्ट से छुए, राइट से लिए और लेफ्ट से छुए। दोनों हाथ ज्ञान पुनः शरीर तैयार, संकल्प को साथ में जोड़े। जिस प्रकार का भी रोग विकार दोष शरीर के भीतर में हर झटके के साथ बाहर निकल रहा है, इसी प्रबल संकल्प के साथ पुनः करें अपनी सामर्थ्य अनुसार कपाल भाति। मंद श्वास, मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, भीतर खालीपन का भाव, निर्विचार भाव, विचार जैसे खो गए, तिरोहित हो गए। तेजी से श्वास प्रश्वास, पेट का हलन चलन साथ साथ चले, पेट में खिंचाव आए तो तुरंत रुक जाए, ताल करें। मंद श्वास, धीमे धीमे श्वास ले, धीमे धीमे श्वास छोड़े। पुनः एक बार सूक्ष्म वस्त्रिका प्रारंभ करें। We'll be right back.
रिलैक्स, मंद श्वास, शरीर के भीतर कहां प्रकंपन हो रहे हैं उसका अनुभव करें। अग्निसार, श्वास को पूरा बाहर निकालकर बाहर रोक ले और पेट को भीतर बाहर हिलाए। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले श्वास को ना रोके, पूरा श्वास बाहर, अब पेट को हिलाए। मंद श्वास, अब कुछ ठंडे प्राणायाम हम करेंगे, शीतली प्राणायाम। गर्मी के दिनों में इसका अभ्यास निरंतर करना चाहिए और जिसको कब प्रकृति है अस्थमा की तकलीफ है उसका उसका प्रयोग न करें। जीवा को गोल घुमाकर होठ से बाहर निकाले, कौवे के चोंच की भांति श्वास को मुंह के द्वारा जीवा को स्पर्श करता हुआ भीतर जाए, ठंडक का महसूस हो और फिर नाक से उसको बाहर निकाले। देखें अवस्था बनाई, ये था शीतली प्राणायाम। अब हम कर रहे हैं शीतकारी, जीवा को दांतों के बीच में हल्का सा दबाने और दांतों के छिद्रों से सांस को भीतर खींचे और नाक से बाहर निकाले। मंद श्वास, उच्चाई प्राणायाम, कंठ को संकुचित करते हुए अवरुद्ध करते हुए श्वास कंठ से स्पर्श करता हुआ भीतर जाए, श्वास की आवाज कंठ से आए और नाक से प्रश्वास करें। गर्दन की हल्की सी मालिश कर दें, स्वरयंत्र की मालिश कर दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी मुड़ी दोनों ब्रुगटे के बीच, राइट नॉस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरे, राइट से छोड़ें।
राय से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, और लेफ्ट से छोड़े, रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान धामरी प्राणायाम महाप्राण ध्वनि की तरह ही हमें करना है। पांच बार लंबा गहरा सांस लें, शरीर को स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें, पृष्ठरज्जु गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमल तास बंद, श्वास मन शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, शरीर की पकड़ को छोड़े, शरीर के ममत्व को छोड़े, पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे, पैर के अंगूठे से लगाकर सिर तक पूरा शरीर, शरीर का एक एक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, होने दे और ढीला छोड़ दे,
अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है, पैर के अंगूठे से लगाकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है। चित्त को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित कर लें, आते जाते श्वास प्रश्वास का अनुभव करें, आते हुए श्वास को आता हुआ जाने, जाते हुए श्वास को जाता हुआ जाने, कोई भी श्वास बिना जानकारी भीतर प्रवेश न करे, बिना जानकारी बाहर न निकले, श्वास के प्रति पूरी सजगता एवं एकाग्रता, चित्त को नाक के अग्रभाग पर पहरेदार के रूप में बिठा दे, ताकि प्रत्येक श्वास प्रश्वास का अवलोकन कर सके। सहज श्वास प्रश्वास, जैसा भी श्वास आ रहा है जा रहा है केवल उसे जानना है, न श्वास लेने में प्रयत्न करना है न छोड़ने में प्रयत्न करना है, सहज रूप से स्वाभाविक रूप से जो श्वास आ रहा है उसे ही जाने, छोटा है तो छोटा है, लंबा है तो लंबा है, गहरा है कि छिछरा है कि उथला है, ठंडा है कि गर्म है, लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है कि दोनों से आ रहा है, केवल उसे जानना है। एकाग्रता एवं तन्मयता, केवल मात्र श्वास प्रश्वास ही ध्यान में रहे, इस दौरान अगर मन भटकने लगे तो इसे भी ध्यान कि मेरा मन भटक गया है, यही वर्तमान क्षण का सत्य है कि मेरा मन भटक गया, पुनः उसे श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कर ले। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच केंद्रित करें,
वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें, शीतल श्वेत रंग। चित्त को ज्योति पर केंद्र पर ही केंद्रित रखकर क्रोध निवारक मंत्र का उच्चारण श्वेत रंग के अक्षरों में उनको पढ़े और उच्चारण करें। एक बार सुन लें, उसके बाद आप साथ साथ उच्चारण करें। ओम शांते प्रशांते सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा। 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 क्रोध शांत हो गया है, शांत हो गया है, शांति का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ ध्यान संपन्न करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। जमीन की ओर बोले, फिर ऊपर की ओर परनिष्ठ नमस्कार। ओम रें नमो अरहंतानं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम रें नमो सिद्धानं। श्वास भरते हुए ऊपर मुद्रा बनाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम रें नमो आयर्याणं। श्वास भरते दोनों हाथ साइड में, श्वास छोड़ते नीचे। ओम रें नमो उवज्जायाणं। श्वास भरते हुए नेज दृष्टि से ऊपर देखिए, श्वास छोड़ते नीचे। ओम रें नमो लोए सर्वसाऊणं। अंजलि मुद्रा, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए अर्पण कर दें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने आप को भावित करें, सभी उच्चारित करें। मैं ज्ञानमय हूँ,
मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम 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 नम। फ्रेश अपने भीतर हास्य को प्रस्फुटित करें। प्रेक्षा ध्यान गीत। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो क्षीण हो क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा मानसिक संतुलन जागृति और चेत समाधि निकट आदि दूर जाति व्याधि आदि उपाधि प्रेम का संधान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के साव बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव बदलता संसार आना पान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा समस्या आवेग की है विकटतम जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में हो रहा और लेश्या ध्यान कायो सर
श्वास प्रेक्षास धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर हृदय हो, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा, हृदय हो अविकार तुलसी ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अर्पण। हम गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अर्पण।